हराम खोर मुफ्तखोरों ने लाया है, बेईमान को, झूठे को और मक्कार को, बेईमान भी, झूठा भी, अरे मक्कार भी, अरे सब कुछ है। पंजाब में कसम खा जाता है अपने बच्चों की, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, शीला को 15 दिन में अंदर अरेस्ट करवा दूंगा और वो कांग्रेस के समर्थन से फिर मुख्यमंत्री बन जाता है। तो बेईमान नहीं है, झूठा नहीं है, मक्कार नहीं है, क्या नहीं बताओ। ये दारू बांट रहा है, हमने कहा भाई ये कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दो तो क्या कहता है, उस पर डाल दो, सोशल मीडिया पर डाल दो, यूट्यूब पर डाल दो, दारू फ्री कर दूंगा एक बोतल के साथ, एक बोतल फ्री, कितने लोग पी के मर गए, हम जनता से मिल रहे हैं, चुनाव के लिए मिल रहे थे, कितनी बुढ़िया में रोती मिलती है कि बेटा दो दो बच्चे मर गए मेरे, एक बोतल दो बोतल पी करके मर गए, तो ये काम इसका अच्छा है। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरडी शर्मा। अरे शर्मा जी, दिल्ली से ही हैं, ये झंडा उठा रहे हैं, हिंदू संगठन, 5 कानून। हम तो भैया राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी हैं? हाँ। और आपके मुख्यमंत्री हंस देते हैं एक मिनट में, कह रहे हैं झूठी फिल्मों के पोस्टर घुमा रहे हैं लगातार। अब वो उनकी सोच है, क्या करें इस बारे में बताओ। मुख्यमंत्री तो बन गए यहाँ के। तो मुख्यमंत्री किसने बनाया? हमने तो वोट नहीं दिया है। और किसने? दिल्ली वालों ने दिया। दिल्ली वालों ने दिया, जो जिनको मुफ्त का खाना। आपको नहीं खाना मुफ्त का? नहीं, हम नहीं खाते मुफ्त का, हम टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं? और क्या कह रहे हैं जी? हराम खोर मुफ्तखोरों ने लाया है, बेईमान को, झूठे को और मक्कार को। बेईमान भी, झूठा भी, अरे मक्कार भी, अरे सब कुछ है। पंजाब में कसम खा जाता है अपने बच्चों की, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, शीला को 15 दिन में अंदर अरेस्ट करवा दूंगा और वो कांग्रेस के समर्थन से फिर मुख्यमंत्री बन जाता है। तो बेईमान नहीं है, झूठा नहीं है, मक्कार नहीं है, क्या नहीं बताओ। अरे भाई साहब, सब कुछ है ये। आपने बेईमान भी, झूठा भी, मक्कार भी, सब तो बता दिया। पंजाब में कह रहा मैं 50,000 करोड़ तो ऐसे ला दूंगा। अच्छा। और फिर एक हफ्ते बाद यहाँ पर कटोरा लेके आ जाते हो कि मुख्यमंत्री के भाई हम जो है मोदी जी हमारी सहायता करो, हम वह फ्री बांटेंगे, मोदी यहाँ कमा के देंगे उनको। तो फ्री बांटने काम कराने के लिए मोदी जी और फ्री बांटने के लिए केजरीवाल जी। अच्छा, तो मांग लिया तो क्या हो गया, देश की सरकार है वो भी, मोदी भी प्रधानमंत्री। बांटने के लिए भाई, फ्री बांटने के लिए थोड़ी होता है ये। रोड पर बैठो, काम कराइए, काम कराइए, विकास के लिए टैक्स देते हैं लोग, उसे विकास करिए, जनता का विकास होगा, आवागमन होगा, काम होगा, सबको फायदा होगा। हमें भिखारी बनाए दे रहा है सबको। फ्री बंदरबाट बंद होनी चाहिए। फ्री बंदरबाट बंद होनी, बिल्कुल बंद होनी चाहिए फ्री बंदरबाट। वो कह रहा है डर गए हैं भाजपा वाले, एमसीडी चुनाव नहीं करा रहे डरते हुए, केजरीवाल की लहर चल रही है। कुछ भी बोल सा, मैं कहना झूठा, बेईमान, कुछ भी कह सकता है, जुबान है, कुछ भी कहेगा, कुछ भी कहेगा, कुछ ही लोग मानेंगे, कुछ ही लोग मानेंगे। वे महानुभाव ये भी कह रहे हैं कि राजनीति छोड़ दूंगा, चुनाव करा करके देख लिए, अगर जीता नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। उसने बच्चों की कसम खाई के कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, किया। उसने कहा कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ली। उसने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, उसमें अब बता रहे हैं कि 21,000 का और 21 करोड़ का वो, भैया हम करोड़ तक कहाँ पहुँचते हैं, पूरी जिंदगी ऐसी तैसी करा ली, करोड़ नहीं हुए। अरे इसलिए करोड़ तक नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर आपकी बात को बल दे रहा हूँ मैं कि ऐसा झूठा आदमी नहीं है वो। और झूठा बेईमान किसे कहते हैं आप बता दीजिए, आप भी तो। और सुनो, तो राजनीति है, चलता रहता है, कस्में, वादे, मोहब्बत, प्यार टूटती रहती है। जब तक ये चलेगा देश का विकास नहीं होगा, यहाँ का नागरिक यूं ही भटकता रहेगा और ऐसी झूठी लॉलीपॉप चूसता रहेगा, मीठी गोली चूसता रहेगा, बैठा रहेगा, विकास ऐसे नहीं है। फ्री दारू बांट रहा है, हमने कहा भाई ये कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दो तो क्या कहता है, उस पर डाल दो, सोशल मीडिया पर डाल दो, यूट्यूब पर डाल दो, दारू फ्री कर दूंगा एक बोतल के साथ, एक बोतल फ्री, कितने लोग पी के मर गए, हम जनता से मिल रहे हैं, चुनाव के लिए मिल रहे थे, कितनी बुढ़िया में रोती मिलती है कि बेटा दो दो बच्चे मर गए मेरे, एक बोतल दो बोतल पी करके मर गए, तो ये काम इसका अच्छा है। मीडिया भी बता सकता है कितना काम इसका अच्छा। जब मैं छोटा था गांव में कहावत थी
कि जिसके घर का नाश करना उसके बालकों को दारू पीना सिखा दो। और जब आप दारू गली कूचे में हर गली कूचे में ठेका खोलेंगे, उसको सिरिंज से पिलाना सिखाएंगे, औरतों को पिंक ठेका खोल करके पिलाना सिखाएंगे, तो ये बचेगा कहाँ, परिवार कहाँ बचेगा, समाज कहाँ बचेगा। ऐसी कलुषित भावना उसकी है और लोगों को ऐसे जंजाल में फंसा करके और वोट की चोट को नहीं पहचानने दे रहे। तो भाई हमारा यही कहना है सभी साथियों से, सभी समाजों से और यहाँ के नागरिक से कि वोट की चोट को पहचानो, वोट से ही काम होगा। करने वाले तो वो मोदी योगी अपने आप कर देंगे। वाराणसी गया था लड़ने के लिए, मोदी के खिलाफ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या हुआ उसका? यूपी में कितनी सीटें जीती उसने, पंजाब में जीतना सोच रहा है, मैंने मोदी को जीत लिया, देश को जीत लिया। चलिए धन्यवाद। नहीं चलने देंगे हम, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम शर्मा है।